हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने MI A3 का जो है अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था और उसका मैंने फर्स्ट इंप्रेशन भी जो है दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो है फुल रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि इसको जो है मैं अलग अलग तरीके से यूज कर चुका हूं, चाहे इसका कैमरा हो, गेमिंग परफॉर्मेंस हो, बैटरी लाइफ हो, सब जगह से जो है इसको यूज कर चुका हूं। और अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि भाई अगर आप कुछ भी स्किप करते हो तो कुछ इंफॉर्मेटिव जो है चीज आप मिस कर सकते हैं। तो अच्छे से ये वीडियो देखते रहिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसके रिव्यू पे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 665 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये एड्रीनो 610 GPU के साथ आता है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, पहला होगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई का सपोर्ट मिलेगा और ये जो है पूरी तरीके से स्टॉक एंड्रॉइड पे है, यानी कि ये एंड्रॉइड 1 को सपोर्ट करता है। तो गाइस, ये जो चीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है। और अगर इसके कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला मिलने वाला है मोर देन व्हाइट, यानी कि ये जो मैं यूज कर रहा हूं, दूसरा मिलने वाला है काइंड ऑफ ग्रे और तीसरा जो है वो है नॉट जस्ट ब्लू। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और सबसे ज्यादा इंप्रेस जो है मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी ने ही किया है। आगे की तरफ आपको जो है फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलेगी और पीछे की तरफ जो है आपको कर्व्ड शेप में जो है बैक पैनल देखने को मिलेगा। दोनों आगे और पीछे जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। उसी के साथ साथ साइड में जो है आपको एल्यूमिनियम की ग्रिल देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ पीछे साइड इसके कैमरा बम की, तो गाइस आपको लेफ्ट साइड में जो है टॉप में कैमरा बम देखने को मिलेगा। अगर आप कैमरा बम ध्यान से देखते हैं तो ये जो है थोड़ा सा निकला हुआ है। अगर आप इस फोन को फ्लैट सरफेस पे रखते हो तो भाई ये फोन जो है वो ऊपर नीचे होने वाला है इसके कैमरा बम के कारण, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इसके कैमरा बम पे भी जो है प्रोटेक्शन जो लगी हुई है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की ही दी गई है। वहीं आपको इसके सामने यानी कि इसकी स्क्रीन पे ही जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो उतना ज्यादा फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू बाकी के फोन जो मैं बात करता हूं तो, लेकिन इस प्राइस रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलना ही काफी बड़ी बात है। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स और इसके बटन्स की। तो गाइस, सबसे पहले नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको टाइप सी का जो है चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। उसके आउट साइड में जो है आपको दो स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से एक ही जो है स्पीकर है, मोनो स्पीकर जो जिसको कहते हैं। उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में जो है अगर आप देखेंगे तो आपको माइक्रो SD कार्ड और सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। ये हाइब्रिड है, इसमें जो है आप माइक्रो SD कार्ड अराउंड 256 GB तक का लगा सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। इंटरनल स्टोरेज जो है इसमें अच्छा खासा आप एक्सपांड कर सकते हो। उसके साथ साथ इसमें जो है राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर जो है बटन देखने को मिलेंगे। ये जो है मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि टैक्टाइल है, लाइक इसको आप जब प्रेस करते हो तो बहुत अच्छा फीडबैक जो है ये बटन्स देते हैं। और अगर मैं बात करूं टॉप साइड की तो भाई इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। यस, इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिल रहा है। मैंने पॉज इसलिए लिया है क्योंकि MI A2 में जो है हेडफोन जैक हटा दिया गया था, लेकिन इसमें जो है वापसी हो चुकी है हेडफोन जैक की। और उसके साथ साथ उसमें साइड में आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो भाई इसका जो स्क्रीन साइज है वो आपको मिलने वाला है 6.088 इंच का, वो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और इसके रेजोल्यूशन की बात करूं तो वो आपको मिलेगा 720x1560 पिक्सल HD प्लस के साथ। आई नो बहुत सारे ये लोग जो है इसका कॉन्ट्रोवर्सी बना रहे हैं कि भाई इसमें जो है HD प्लस के बजाय अगर फुल HD प्लस यानी कि 1080p मिलता तो काफ़ी बेहतर होता। सच अगर मैं आप लोगों को बताऊं बिल्कुल, तो मुझे तो कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। मैं OnePlus 6 भी यूज़ कर रहा हूं तो मुझे इतना कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा तो मुझे इसका जो ब्राइटनेस है या फिर इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आई नो 720p और 1080p का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन ये जो है 720p प्लस सुपर एमोलेड के साथ आता है, जो काफ़ी अच्छा बना देता है। इसमें जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लाइक आपको बिल्कुल डीप ब्लैक मिल जाते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया है। इसके 720p होने के कारण आप YouTube वगैरह जो है लाइक फुल HD में नहीं देख सकते हो, और मेरे हिसाब से ये एक कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो या तो 360 या फिर 420 इतने ही जो है पिक्सल में कोई भी वीडियो वगैरह स्ट्रीम करते हैं। तो ऐसा अगर मैं ओवरऑल इशू बताऊं तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी है। स्क्रीन साइज वगैरह काफी बढ़िया है, अच्छे जो है कलर ये देता है। इससे पहले मैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो भाई मुझे बहुत से कमेंट मिल
मिलते हैं कि आपने जो है MI Band 4 कहाँ से परचेस किया, क्योंकि ये जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो गाइज MI Band 4 जो है मैंने Banggood.com से परचेस किया है, काफ़ी अच्छे और ईजिली तरीके से जो है आप इसे इंडिया मंगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, सेटअप वगैरह करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मैंने अलग से रिव्यू वीडियो भी बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं प्राइस वगैरह क्या मिलता है, क्योंकि इसमें जो है आपको कूपन वगैरह मिलते हैं जिसके कारण प्राइस जो है इसका कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो गाइस इसमें आपको रियर में 3 कैमरा का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मैं बात करूंगा बीच वाले कैमरे की, यानी कि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल के साथ, जिसमें आपको एपर्चर मिलता है f1.2 का। और वहीं अगर मैं बात करूं टॉप यानी कि ऊपर वाले कैमरे की, तो वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और उसमें जो है आपको एपर्चर मिल रहा है वो मिल रहा है f2.2, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए यूज हो रहा है, लाइक अल्ट्रा वाइड आपके शॉट्स को बना देगा। और नीचे वाला जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें आपको f2.4 का जो है डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। ये थे कैमरा स्पेसिफिकेशन। अब फटाफट से आपको इमेजेस बता देता हूं इस फोन के थ्रू ली गई। तो अगर आप ये देख रहे हैं इमेज, ये 48 मेगापिक्सल वाला जो है कैमरा यूज करके ली गई है इमेज, काफी बढ़िया है, शार्प इमेज हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो साइज हमें देखने को मिलता है वो है लाइक 15 MB से ऊपर ही का जो है इसमें साइज देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए कोई इमेज ले रहे हो तो 48 मेगापिक्सल से जो है क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वाइड एंगल की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल एक इमेज बता देता हूं। तो गाइस ये जो है रियर कैमरे से ली गई एक नॉर्मल इमेज है। वहीं अगर मैं वाइड एंगल पे कर देता हूं, तो भाई ये जो वाइड एंगल का जो सपोर्ट इसमें दिया है काफी बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा वाइड एंगल हमें मिलता है, लाइक कोई भी ज्यादा फर्क जो है इमेज की क्वालिटी में नहीं हुआ है। तो ये जो दो इमेजेस आप साइड बाय साइड देख रहे हैं, एक जो है वो HDR में है और दूसरी जो है नॉर्मल है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस लाइक कलर्स वगैरह में जो है काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके पोर्ट्रेट मोड की, तो गाइस पोर्ट्रेट मोड भी इसमें जो है मुझे काफी बढ़िया लगा है। लाइक मुझे पहले उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, लेकिन इसको जो है मैंने फ्रंट और रियर दोनों ही पोर्ट्रेट मोड यूज करे हैं, आप इमेज क्लियरली देख सकते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल टाइप का जो है ब्लरनेस नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो मैं आपको फ्रंट और रियर दोनों की जो है वीडियो क्वालिटी अभी इस फोन से टेस्ट करके बता देता हूं, तो आप प्लीज ये वीडियो जरूर देखिए। तो गाइस ये शूट कर रहा हूं मैं MI A3 के फ्रंट फेसिंग कैमरे से, तो आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी है काफी बढ़िया है, लाइक मेरा फेस वगैरह जो है अच्छे से डिटेक्ट किया है, और ऑडियो की क्वालिटी भी जो है वो काफी बढ़िया आ रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बता दूं तो भाई इसमें जो है रेजोल्यूशन जो मुझे मिल रहा है वो है 1080p 30 फ्रेम सेकंड का, जो कि काफी बढ़िया है। अब फटाफट से इसके रियर कैमरे की जो है वीडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब मैं इसके रियर कैमरे से शूट कर रहा हूँ, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है अल्ट्रा HD यानी कि 4K 30 फ्रेम सेकंड। और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें आपको 4K का सपोर्ट मिलता है, और ऑडियो की क्वालिटी वगैरह जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसमें आप 1080p 720p अपने हिसाब से जो है टेस्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसका रियर की जो वीडियो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस है। इस फोन के थ्रू मैंने स्लो मोशन भी लेके देखा था, तो आप ये फुटेज देख रहे हैं ये पूरी तरीके से इस फोन के थ्रू ही लिया गया है, तो इसका जो स्लो मोशन है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। मैंने बाकी के शाओमी के फोन्स भी देखे हैं, उनके फोन से जो स्लो मोशन लेते हैं उसके कंपैरिजन में इसका जो है मुझे काफी बढ़िया लगा है। और इस कैमरे से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूं, वो ये कि भाई अगर आप गूगल कैमरा की एप्लीकेशन को यूज करते हैं इस फोन में, तो भाई बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई गूगल कैमरा जो है काफी अच्छी इमेज प्रोसेसिंग करता है। अगर आप गूगल कैमरा वर्सेस लाइक MI कैमरा ऐप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं इस फोन के लिए, तो मुझे कमेंट पे जो है जरूर बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगा, दोनों की जो है इमेजेस की साइड बाय साइड कंपैरिजन जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो भाई इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई मिलता है, और ये एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम का भी जो है एक पूरी तरीके से हिस्सा है। एंड्रॉइड 1 जो है एक तरीके से अच्छा भी है, और एक तरीके से मुझे उसमें थोड़े बहुत कॉन्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको बहुत ईजी वे में बताता हूँ। तो गाइस ऐसा है कि एंड्रॉइड जो स्टॉक एंड्रॉइड होता है उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो होते हैं लाइक जेस्चर का ही मैं अगर कह लूँ, अगर आप इस फोन में स्वाइप डाउन करते हैं तो जो नेविगेशन जेस्चर है वो डाउन लाइक नीचे नहीं आता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ भाई इसके प्रोज की, तो भाई आपको एंड्रॉइड 9 में जो है बिल्कुल भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है, कोई भी एक्स्ट्रा ऐड वगैरह वाली जो एप्लीकेशन होती है वो देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉइड 1 पूरी तरीके से क्लीन है, अच्छा चलता है, परफॉर्मेंस भी जो है काफी बढ़िया देता है। वहीं अगर मैं बात करूं MIUI की, तो उसमें जो है आपको थोड़े बहुत ऐड देखने को मिल जाते हैं बीच में, या फिर फालतू की एप्लीकेशन भी मिलती है जिनको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में जो है एंड्रॉइड 1 काफी अच्छा जो है निकल के बाहर आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं एंड्रॉइड 1 में जो है करीब करीब 2-2.5 साल तक जो है आपको पूरे लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं गूगल की तरफ से, सिक्योरिटी भी अपडेट जो है आपको काफी जल्दी इसमें मिल जाएंगे। MI A2 में अभी तक जो है आपको सिक्योरिटी अपडेट मिल रहे हैं और उनको और भी आगे मिलेंगे, तो उसी तरीके से आपको एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट MI A3 में काफी बढ़िया मिलने वाला है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में तो भाई ये बहुत बढ़िया चैंपियन है।
अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की, तो भाई इसमें आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये जो है क्विक चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें जो है आपको बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 10 वॉट का ही जो है चार्जर देखने को मिलेगा। अगर आपको क्विक चार्जिंग के लिए लाइक चार्जर खरीदना है तो अलग से खरीदना पड़ेगा, जो कि 18 वॉट का आपको मिलेगा। तो भाई ये 18 वॉट के क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो भाई इसकी बैटरी जो है काफ़ी कमाल की मुझे लगी है, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है तो फालतू की जो बैकग्राउंड प्रोसेस होती है वो सब आपको इसमें नहीं देखने को मिलती है। एंड्रॉइड काफी अच्छे से जो है हैंडल कर लेता है और करीब करीब 7 घंटे तक का जो है इसने मुझे बैटरी बैकअप दिया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई इसमें जो है मैंने पबजी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल के देखा है, क्योंकि अभी के टाइम पे लोग जो है भले पबजी खेले या नहीं खेले उनका एक मोटो होता है वो ये कि भाई पबजी वगैरह जैसे गेम जो है अच्छे चलने चाहिए। तो आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली ये है कि भाई इसमें जो है आपको बिल्कुल हाई एंड वाली जो है रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें आप मीडियम सेटिंग्स तक ही जो है रेजोल्यूशन इसका बढ़ा सकते हो, जो कि लाइक इतनी ज़्यादा बड़ी बात मुझे नहीं लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो मीडियम सेटिंग में ही खेलते हैं। क्योंकि अगर आप हाई रेजोल्यूशन के साथ खेलते भी हो तो आपका फ़ोन जो है वो हीट करने लगता है। मैं 1+6 यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई सेटिंग में खेलता हूँ तो फ़ोन जो है थोड़ी देर बाद गर्म होने लगता है, उसके साथ साथ उसकी जो बैटरी है वो भी जाने लगती है। तो भाई ऐसी दिक्कत मुझे MI A3 में नहीं देखने को मिली है। इसमें जो है आप बढ़िया से अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए जो है पबजी खेल सकते हो, क्योंकि इसमें जो है हीटिंग इशू हमें नहीं देखने को मिली है और बैटरी बैकअप भी जो है पबजी के टाइम पे अच्छा खासा दिया है। तो अगर आप नॉर्मली खेल रहे हो पबजी तो इसमें आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, स्मूथ चलेगा, कोई भी इशू जो है गेमिंग के लिए इसमें नहीं मिलेगा। ये जो फ़ोन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, 13,000 रुपीज़ की प्राइस में ये काफ़ी बढ़िया है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको दे देता है, बैटरी लाइफ कमाल की है। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ कि जिसके लिए लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो भाई 720p सुपर एमोलेड काफ़ी अच्छा है, आपको नोटिस नहीं होगा। अगर आप भाई 1080p में ही जो है यूट्यूब वगैरह देखते हो तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उससे नीचे ही देखते हो, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग देखते हैं, तो ये फ़ोन में आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बढ़िया है, कैमरा भी जो है परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका जो अपडेट्स वगैरह जो आएंगे कैमरे के तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी होने वाली है। और एंड्रॉयड 1 है तो भाई और भी जो है आपको सिक्योरिटी अपडेट्स हो गया या एंड्रॉयड के जो है वर्जन जो भी आएंगे वो आपको लेटेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। तो गाइस इस फोन के बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी, अगर आप ये खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, अगर आप इसे नहीं खरीदते तो क्यों नहीं खरीदते, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो जो है मैं आप तक इन फ्यूचर लेकर आता रहूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।